पार्टी है एमकेएम, तभी उन्होंने 10 अरब का हर्जाना किया मेरे को, वरना को 200-300 अरब का तो कर लेते। तो अब ये है कि और ऊपर से रमजान का टाइम है, इस टाइम पे तो लोग वैसे भी जमा कर रहे होते हैं पैसे, तो शायद ये भी कुछ सोच होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो आपने शेर नहीं सुना इकबाल का कि बर्फ गिरती है बेचारे मुसलमानों पर, ये एमक्यूएम का ही अल्ताफ हुसैन साहब का जोर बीबीसी पे तो चलता नहीं है, ना फॉक्स टीवी पे चलता है, ना बरतानिया के अखबारों पर चलता है। आज आके ये सारा जो नजला है वो पाकिस्तानी एंकर पे या पाकिस्तानी अखबारों पे, उनके ज्यादातर हेड ऑफिस भी कराची में है, तो उन्हीं के ऊपर गिरता है। और यही हकीकत है, और हकीकत यह है कि अब तो मुझे, मैं सोच रहा हूं कि मेरी नौकरी रहे या ना रहे, मैं एमक्यूएम के खिलाफ और अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बरतानिया के कोर्ट में जाऊं, और मैं भी वहां पे प्रूफ दूं कि मुझे इनके जिन फोन कॉलों से कत्ल की धमकियां आती हैं, ये आती हैं, ये मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। जब दिल करता है किसी को आप धमकी दे रहे हैं, जब दिल करता है किसी को पूछ कर ले, आप 10 अरब का हर्जाना, 10 अरब पहले ये बताएं तो सही ना, 10 अरब का नुकसान किस तरह से हुआ इनको, किस चीज का नुकसान किया, और कौन सी ऐसी बात की है जो गलत है या फैक्ट पे बेस्ड नहीं है, कौन सी, क्या डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल नहीं हुआ, क्या मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं इतना तफ्तीश हो रही, क्या अल्ताफ हुसैन के फ्लैट से पैसे नहीं निकले, क्या अल्ताफ हुसैन ने उन फ्लैट उन की रसीदें दी हुई थी लोगों को कलेक्शन के ऊपर, क्या वो चैरिटी के पैसे थे। अब इन ये सवालात के जवाब नहीं देंगे तो और किसको देंगे, उसके ये सवाल पूछने वाला जो है उसको हर जाने का नोटिस मिलेंगे, तो कोई बीबीसी को भी दें, न्यूज ऑफ द वर्ल्ड को भी दें, सन को भी दें। फिर मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं बरतानिया जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा हाउस ऑफ कॉमन्स में और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाने की, और मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि बरतानवी शहरी वहां पे बैठ के यहां पे मेरे मुल्क में किस तरह से स्ट्राइक की कॉलें दे रहा है और यहां पे लोगों को धमकियां दे रहा है कि मैं तलवारों से काट दूंगा और ये कर दूंगा, ये क्या मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। अगर मैं यहां बैठ के किसी यानी इंग्लैंड में करूं कि जी इंग्लैंड में ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, मेरी अपना वो बात हो गई, तो उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरह रिएक्ट करेगी, ये इन्होंने मजाक बनाया हुआ हर चीज का। हम सवाल भी ना पूछे, अल्ताफ हुसैन ने खुद गाने गाए हुए हैं तो गाए हुए हैं ना यार, अब वो अलग बात है कि देशों गाएं तो बुरे लगते हैं, अब वो चूरन बेचने वाली चीजें मैंने कही हैं उनको, वो पूरे यूट्यूब पर पड़ी है तो यूट्यूब के ऊपर भी करते हैं जरा जाके हर जाना, सिर्फ अपना ARY या मुबशर उलमान नजर आना है इनको, कि खुद चीफ जस्टिस ने कहा कि ये दहशतगर्दी हो रही है वहां पे, और उन्होंने एमक्यूएम के ऊपर उंगली भी उठाई थी, ये सिर्फ मैंने नहीं उठाई, मैंने तो पब्लिकली या टीवी के ऊपर ये बात की है, आप सोशल मीडिया पे जाकर तो देखें लोग कर रहे हैं, और जिनके बंदे मर गए हैं क्या उनको अब सवाल पूछने का भी हक नहीं है? आपको नहीं पता इलेक्शन से किस तरह से धांधली हुई है, एमक्यूएम ने किस तरह से मैंडेट दिया वहां पे, हमने वीडियोज नहीं दिखाई, वीडियोज में कह रहा हूं नहीं दिखाई के ठप्पे लगाते हुए पतंग के ऊपर, तो अब ये बातें दिखाना ये बातें करना जो है वो हम लोग उस पर गुनाहगार हो गए।